हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पीडीएफ फाइल का पासवर्ड को कैसे अनलॉक करेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब है अगर आपका पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, किसी तरह का भी पासवर्ड लगा हुआ है, अगर आप उस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं, उस पासवर्ड को अनलॉक करना चाहते हैं, उस पीडीएफ को अनलॉक करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप अपने पीडीएफ फाइल को अनलॉक कर सकते हैं, पीडीएफ का पासवर्ड को हटा सकते हैं, अपने पीडीएफ पासवर्ड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमूव करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना, यहाँ पर आपको सर्च करना आई लव पीडीएफ। दोस्तों यहाँ पर आपको आई लव पीडीएफ लिख के सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ही वेबसाइट आपको देखने मिलेगा आई लव पीडीएफ। बस क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अनलॉक पीडीएफ। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस अनलॉक पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे सेलेक्ट पीडीएफ फाइल। बस क्या करेंगे, आपको यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप मीडिया पे चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो भी फाइल होगा, जो भी पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को यहां पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहां पर आप अपना फोल्डर चूज कर लेंगे, जो भी फोल्डर में आपका यहां पर पीडीएफ फाइल होगा। तो यहां पर मैं डाउनलोड फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर यहां पर ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा ये पीडीएफ है, इसको दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिस फाइल इज़ प्रोटेक्टेड, यानी मेरा जो पीडीएफ में यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ, तो इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर रिमूव करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस पासवर्ड को हटाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जो भी पीडीएफ में पासवर्ड लगा रहेगा उस पीडीएफ को यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा पीडीएफ है यहाँ पर अपलोड हो चुका। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अनलॉक पीडीएफ। बस क्या करेंगे, अनलॉक पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पीडीएफ अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड लगा रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पर हट चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड अनलॉक पीडीएफ। बस क्या करेंगे, आपको डाउनलोड अनलॉक पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर ओपन भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको फाइल मैनेजर भी ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली यहां पर मैं अपना फाइल मैनेजर ओपन करता हूं, डॉक्यूमेंट पे जाता हूं। डॉक्यूमेंट जाने पर दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले जो कि मेरा यहां पे जो मेरा पे पासवर्ड लगा था, पासवर्ड यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं, इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। लेकिन उसी फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा पासवर्ड यहाँ पर हट चुका है। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इस तरह से किसी भी पीडीएफ फाइल का यहाँ पर पासवर्ड को हटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी किसी पीडीएफ का पासवर्ड आप नहीं हटा सकते हैं। जैसे आपका हुआ आधार कार्ड, जो भी सिक्योर डॉक्यूमेंट है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपका आधार कार्ड में अगर आप पासवर्ड लगा रहेगा यानी लॉक होगा, उसको हटाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सिंपली आपको उसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाएंगे। तो जहाँ चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद दोस्तों यह क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, अनलॉक पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आधार कार्ड वगैरह होगा उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना आधार कार्ड को आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा आधार कार्ड होगा यहाँ पर नीचे में। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा आधार कार्ड, तो यहाँ पर मेरा आधार कार्ड है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नीचे में अनलॉक पीडीएफ पर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा अनलॉक पीडीएफ होने में। आपको यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, यानी आप आधार कार्ड को यहाँ पर अनलॉक करने का थोड़ा अलग प्रोसेस है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लोडिंग लेगा, आप देखेंगे डू नॉट क्लोज योर ब्राउजर, यानी आपको यहाँ पर क्लोज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सम फाइल रिक्वायर पासवर्ड, यानी आपको कुछ फाइल में यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड का पासवर्ड पता है, उसको हटाना चाहते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड का पासवर्ड होगा, जो पुराना पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को आपको यहां पर डालना है। तो चलिए यहां पर मैं अपना एक पासवर्ड को यहां पर डाल लेता हूं। दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद उसके बाद आपको नीचे में देखेंगे सेंड। बस क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है यहाँ पर आधार कार्ड से यहाँ पे हट चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, डाउनलोड अनलॉक पीडीएफ पर क्लिक करके अपना पीडीएफ को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो आधार कार्ड का पीडीएफ है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको फाइल मैनेजर भी ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जब भी अपना पीडीएफ को ओपन करूँगा, आधार कार्ड का यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि ये पासवर्ड यहाँ से हट चुका है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पर पीडीएफ ओपन होकर आ गया है। दोस्तों इस तरह से बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किसी भी पीडीएफ फाइल का पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, पासवर्ड को हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना, कुछ क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।